गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस लेसन में हम लोग प्लांट हार्मोन्स की चर्चा कर रहे थे और प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सिन जिव्रलिन और साइटोकाइनिन इन तीन हार्मोन्स को डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज़ इथिलीन इथिलीन की बात अगर हम करते हैं तो इथिलीन एक गैसियस हार्मोन है और ये आइसोट्राइमिट्रिक ग्रोथ या कि ट्रांसवर्स ग्रोथ जिसे हम कह सकते हैं उसको ये स्टिमुलेट करता है एंड रिटर्न द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स अगर इस हार्मोन की चर्चा हम करते हैं तो ये हार्मोन रॉटन फ्रूट से या कि राइपनिंग फ्रूट से जनरेट होता है और नियर बाई जो अनराइव फ्रूट है इस अनराइफ फ्रूट की राइपनिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइनटीन टेन में काजन्स नाम के साइंटिस्ट ने राइप ऑरेंजेज से एक वोलेटाइल सब्सटेंस के प्रोड्यूस होने को आइडेंटिफाई किया और उसने ये बताया कि यह वोलेटाइल सब्सटेंस राइपनिंग को एक्सेलरेट करता है खास करके अनराइप बनानाज के केस में उन्होंने इसको देखा था विद द हेल्प ऑफ गैसियस क्रमेटोग्राफी आर जेन इन द ईयर 1934 फाउंड दैट द राइनिंग काउजिंग वोलाटाइल वाज विन यानी वो गैस जो है वह इथिलीन है इसको आर जेन ने 1934 में आइडेंटिफाई किया अगर हम हार्मोन के इथिलीन के फंक्शंस की बात करते हैं तो इथिलीन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को इनहिबिट करता है रोकता है एंड स्टिमुलेट्स ट्रांसवर्स और हॉर्जेंटल ग्रोथ एंड स्वेलिंग एक्सेस ग्रेविटी पर इसका प्लांट्स के केसेस में हम मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट ग्रेविटी का जहाँ तक सवाल है तो ये दो तरह से देखा जा सकता है आइदर पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक और निगेटिवली जियोट्रॉफिक पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक का मतलब है जो अलॉन्ग ग्रेविटी मूव करता है या ग्रो करता है जबकि निगेटिवली जियोट्रॉफिक जो है अगेंस्ट ग्रेविटी तो इट डिक्रीजेज सेंसिटिविटी टू ग्रेविटी रूट्स बिकम एपो ये टर्ड्स ग्रेविटी नहीं ग्रो करता रूट इस केस में यह लैंड सरफेस के या सॉइल सरफेस के पैरेलल ग्रो करने लगता है जस्ट जबकि स्टेम जो है यह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ग्रो करता है Cinescence. Cinescence का मतलब होता है ओल्ड एज में जिस तरह से बडी आइदर प्लांट और एनिमल बडी यह ग्रो करने के बजाय एक मार्क्ड रिडक्शन को शो करता है यह सिनेसेंस कहलाता है इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है इट ऑफ लीव्स